हाय फ्रेंड्स, मैं दीपाश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपाश्री कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे की बगिया की रेसिपी। तो इसे हमारे यहाँ बगिया कहा जाता है और कई जगहों पे इसे चावल का फड़ा भी कहा जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल के आटा लिए हैं, जिसे हमने अच्छी तरह से छान कर रखे हैं और ये लगभग 750 ग्राम होगी। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लगभग 500 ग्राम पानी को गर्म होने के लिए रखे हैं। तो इसे हम इस तरह से उबाल हल्का आने देंगे। जब इसमें पानी हार्ड गर्म हो जाएगी तो चावल के सभी आटे को डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम ढक कर थोड़ी देर इसी तरह रहने देंगे। अभी ये बहुत गर्म है, जब तक ये हल्का ठंडा हो जाएगी तो इसे हम ढक कर साइड में रखते हैं। और इसकी स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे मसूर दाल को 4 घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। तो ये अच्छी तरह से फूल चुकी है, तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें पानी की मात्रा हम ना के बराबर ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी दाल को ग्राइंड कर लिए हैं और अब इसमें हम ये धनिया पत्ता कटी हुई रखेंगे और लहसुन है और हरी मिर्च, इन सभी को हमने बारीक काट करके इसमें डाल देते हैं और इसे हम मिला लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और ये 1 चम्मच लगभग हम अजवाइन रखेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अब ये स्टफिंग जो है तैयार हो चुकी है, इसे हम ढककर साइड में रखते हैं। अब चावल के आटे जो है ठंडी हो चुकी है, तो इसका हम डो तैयार कर लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसे मिलाएंगे और जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे हम गूंथ लेंगे। और पानी इसमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी इसमें लेंगे और ना ज़रूरत पड़ने पर ना भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है। तो इसे हम इस तरह से मिला लेंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी डो जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। तो आपको जिस भी साइज में बनानी है उसी तरह की आप लोई लें और इसे आप हाथों पे इस तरह से फैला लेंगे, जैसे हम पूरी बनाते हैं उसी तरह से। यहाँ पे अगर हाथ नहीं चल रही हो तो हल्का सा हाथों में आप पानी लगा लें, इससे इसका जो है स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। तो इसे हम पतला इस तरह से फैला लेंगे और जितना इसके अंदर स्टफिंग जाएगी उतना हम इसमें डाल लेंगे और दोनों हाथों की सहायता से इसे हम इस तरह से चिपका लेंगे, जैसे हम गुजिया बनाते हैं। तो बस इस तरह से हम इसे चिपका देंगे। तो ये देखिए, इसका शेप जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम एक और बनाकर दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसी तरह से और भी बना लिए हैं। और जब हम इस तरह से चावल के आटे को तैयार करते हैं तो ये कभी भी नहीं फटती है। आप देख सकते हैं कि इसका डो जो है कितना अच्छा बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लगभग 4 बगिया बना कर रख लिए हैं और अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और पानी में जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम जितना बगिया इसमें
आएगी उतनी हम इसमें डाल देंगे। तो एक बार में इसमें तीन ही बगिया आई है, तो हमने इसे तीनों को बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और इसे हम ढक कर लगभग 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये ऊपर तैरने लगी है। इसका मतलब है कि ये बगिया जो है अच्छी तरह से पक चुकी है। तो इसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे हम ठंडा पानी में डालेंगे और जब सभी निकल जाएगी तो उसके बाद हम इस ठंडे पानी से भी निकाल करके इसे हम प्लेट में डालेंगे या फिर इसे आप कॉटन के कपड़े पर भी बिछा करके इसे डाल सकते हैं, जिससे इसकी एक्स्ट्रा जो पानी होगी वो निकल जाएगी। और इसी तरह से हम सभी बगिया को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सभी बगिया बन चुकी है और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो जब ये अच्छी तरह से ठंडी होती है तभी इसकी जो है ये काटेंगे, तो अच्छा शेप में ये कट कर तैयार होता है। गर्म में आप काटेंगे तो इसकी शेप जो है अच्छी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसे पतले पतले स्लाइसेस में काट लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, जो बिना तेल के सिर्फ भाप में बनी हुई है, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है और ये हेल्दी भी बहुत होती है। और यदि आपको इसे और भी चटपटा बनाना है तो हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम 2 चम्मच लगभग तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इसके बाद अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को हम चटकने देंगे और उसके बाद हम इस तरह सभी पीसेस को हम डाल देते हैं और इसे हम पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एक तरफ से सिक चुकी है, तो इसे हम पलट कर दूसरे साइड भी सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद इस पे आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे तो ये और भी टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसे आप चटनी के साथ भी इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।